नेक्स्ट वन, प्रीवियस सेशन में जस्ट कंप्लीट किया था बेसिक एग्जांपल्स ऑफ इफ एल्स बेस्ड कंडीशंस, और नेक्स्ट वन हाउ टू क्रिएटिंग सी प्रोग्राम्स बाय यूजिंग इफ एल्स कंडीशंस, इसे हियर वी आर क्रिएटिंग मोर प्रैक्टिसेस प्रोग्राम्स रिगार्डिंग इफ एल्स. फर्स्ट वन, रीड दिस एग्जांपल केयरफुली. फर्स्ट प्रोग्राम, राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज इफ द एंटर्ड नंबर इज जीरो और नेगेटिव. मीन्स रन टाइम पर इस केस में कीबोर्ड से एक नंबर रीड करेंगे. नंबर्स के केसेस में जस्ट थ्री पॉसिबल केस होंगे, आइदर नंबर इज नेगेटिव और नंबर इज पॉजिटिव और नंबर में भी जीरो. इस केस में जीरो को भी कंसीडर करेंगे पार्ट ऑफ नेगेटिव लाइक दैट. मीन्स इस केस में सिंपली इफ कंडीशन राइट करना है, इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है गिविन नंबर इज नेगेटिव और नॉट. मीन्स इस केस में मैसेज किस केस में डिस्प्ले कराना, ओनली इफ नंबर इज नेगेटिव और जीरो. नंबर नेगेटिव या जीरो देना, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैसेज राइट करो लाइक हेलो डेमो और वेलकम लाइक दैट. ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था किसी भी सी प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के एग्जैक्टली फोर स्टेप्स होंगे. फर्स्ट स्टेप डिक्लेयरिंग और प्रोवाइडिंग डिक्लेरेशंस फॉर ऑल रिक्वायर्ड वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में थ्री टाइप्स के वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, मे बी सम इनपुट वेरिएबल्स, आउटपुट वेरिएबल्स और हेल्पर और प्रोसेसिंग वेरिएबल्स लाइक दैट. सेकेंड स्टेप आफ्टर प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, सेकेंड स्टेप क्या था, जस्ट रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड और रीडिंग इनपुट डेटा यूजिंग कीबोर्ड्स. नेक्स्ट वन, डेटा कीबोर्ड से रीड करने के जस्ट बाद देन लॉजिक से अप्लाई करें. लॉजिक्स किसके लिए अप्लाई करा, ऑलवेज फॉर इनपुट नंबर्स और इनपुट वैल्यूज. इनपुट वैल्यूज के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड लॉजिक्स फॉलो करेंगे. लॉजिक्स प्रोवाइड करने के जस्ट बाद जनरेट क्या होंगे, जन जस्ट सम रिजल्ट्स. देन रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करेंगे सम प्रिंटर. देन लास्ट स्टेप क्या था, डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स. मीन सेम स्टेप्स को फॉलो करके जस्ट गिवन प्रॉब्लम सॉल्व करें. फर्स्ट वन इस केस में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप प्रोवाइडिंग डिक्लेरेशंस फॉर ऑल रिक्वायर्ड वेरिएबल्स. इन सभी एग्जांपल्स में एज्यूम करके चल रहा हूँ ऑल रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इसलिए इस केस में ओनली मैन लॉजिक्स प्रोवाइड करूँगा ना कि हेडर फाइल्स. एज्यूम दैट सम हेडर फाइल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड लाइक दैट. देन मैन फंक्शंस, मैन के रिस्पेक्ट में जस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, ओनली वन वेरिएबल्स एज ए इनपुट वेरिएबल्स. बिकॉज जब आप कीबोर्ड से रीड करोगे एंटर नंबर मीन्स एनी नंबर, इस नंबर को टेस्ट करेंगे या तो नंबर जीरो नेगेटिव या जीरो है या फिर पॉजिटिव नंबर्स. ओनली सिंगल इनपुट रिक्वायर्ड है, इसलिए वेरिएबल डिक्लेरेशंस भी कितने होंगे, ओनली वन वेरिएबल डिक्लेरेशन समथिंग नंबर. देन सेकेंड स्टेप क्या था प्रोग्रामिंग का, रीडिंग इनपुट्स यूजिंग कीबोर्ड. रीडिंग इनपुट डेटा, कीबोर्ड से डेटा रीड करने के लिए मोस्टली यूज करेंगे एज ए स्कैन एफ फंक्शंस. स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ नंबर. इस केस में जब ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ देन आपको तो पता है करेंटली इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए रन टाइम पर इनपुट एंटर करने की नीड है. बट सपोज दैट सेम एप्लीकेशन जब आप अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोवाइड करोगे, क्लाइंट्स के केसेस में क्लाइंट किस टाइप का पर्सन होगा, सम नॉन टेक्निकल पर्सन. देन क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन कैसे अवेलेबल होगा, मीन्स करेंटली किस टाइप का रन टाइम एक्शन डिसाइड करना है. फॉर एग्जाम्पल्स लेट्स सी सम एटीएम मशीन. अगर एटीएम मशीन के रिगार्डिंग में बात करें, एटीएम मशीन के रिस्पेक्ट में जस्ट फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इंसर्टिंग और स्वैपिंग सम एटीएम कार्ड. इंसर्ट और स्वैपिंग कार्ड, कार्ड स्वैप करने के जस्ट बाद एक टेक्स्ट बॉक्स विजुअल होता है. देन इस केस में सपोज दैट कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है कम्प्लीटली न्यू फॉर एटीएम मशीन. अगर कोई भी पर्सन एटीएम मशीन फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा करेंटली किस टाइप का इनपुट डेटा एंटर करना, बिकॉज इनपुट के केसेस में रिक्वायर्ड केस क्या होंगे, मे बी सम पिन नंबर और पासवर्ड और मे बी सम रिक्वेस्टेड अमाउंट. देन करेंट केस में इनिशियली अमाउंट एंटर करना या फिर पिन नंबर एंटर करना, डायरेक्टली अननोन पर्सन के लिए डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं. देन इस पर्टिकुलर न्यू पर्सन को गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड क्या करेंगे, सम मैसेज लाइक दैट एंटर पिन नंबर. इस केस में एंटर पिन नंबर कोई भी लॉजिक्स का पार्ट नहीं, इट इज दिस मैसेज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉजिक्स बट इट विल प्रोवाइड यूजर गाइडलाइंस.
सेम केस में इस प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली स्कैन ऐप के थ्रू आप नंबर रीड करो, ये केस में वैलिड हुआ जस्ट यूजर को गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के रिस्पेक्ट में, इनपुट रीड करने जस्ट पहले यूजर्स के लिए मैसेज स्पीकर आ लेंगे लाइक एंटर नंबर। नंबर के केस में टू पॉसिबल केस होंगे, या तो नंबर जीरो होगा और या तो नेगेटिव नंबर होगा या पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाइंग प्रोसेसिंग लॉजिक। फर्स्ट स्टेप प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, सेकंड स्टेप रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम कीबोर्ड, थर्ड स्टेप अप्लाइंग प्रोसेसिंग लॉजिक्स। इस केस में लॉजिक से किसके बेसिस पर अप्लाई करो, बेस्ड ऑन गिवन प्रॉब्लम्स। इस केस में टेस्ट करना जस्ट गिवन नंबर, इस यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया नंबर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो ओनली इस केस में मैसेज किस सिचुएशन में डिस्प्ले कराना, ओनली इन केस ऑफ नंबर इज नेगेटिव और जीरो। मीन चेक द गिवन नंबर इज नेगेटिव और जीरो, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, अगर गिवन नंबर का वैल्यू या तो जीरो से छोटा है या फिर जीरो के इक्वल है देन इस केस में डिस्प्ले क्या कराएंगे, सब मैसेज, अदरवाइज नथिंग। इस केस में कंडीशन क्या होने का, नंबर लेस देन इक्वल्स टू जीरो। मीन्स इफ कंडीशन, इफ वैल्यू ऑफ गिवन नंबर और एंटर्ड नंबर, मीन्स आपने रन टाइम पर जो भी नंबर एंटर किया उस नंबर का वैल्यू करेंट प्लेस पर रिप्लेस हुआ, देन कंपेरिजन किससे कराएंगे, जीरो से। अगर नंबर का वैल्यू या तो जीरो से छोटा है या जीरो के इक्वल है, इस केस में जस्ट डिस्प्ले क्या करा लेंगे, सम स्पेसिफाइड मैसेज, एनी मैसेज, प्रिंट एफ समथिंग हेलो और वेलकम लाइक दिस। केस में डिस्प्ले क्या करा, जस्ट मैसेज हेलो। इस अगर एक कंडीशन ट्रू होगा देन ट्रू होने के इसमें डिस्प्ले क्या हो जाएगा, स्पेसिफाइड मैसेज, अदरवाइज नो एक्शंस। देन फाइनली क्लोजिंग दिस प्रोग्राम, लेट्स सी टेस्ट दिस प्रोग्राम रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट इनपुट नंबर्स। फर्स्ट वन, फर्स्ट केस, जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में डिस्प्ले क्या होंगे, सम रिजल्ट्स और आउटपुट्स। फर्स्ट वन सम आउटपुट डिवाइस मॉनिटर स्क्रीन। जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, फर्स्ट केस में परफॉर्म क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल नंबर, मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल नंबर। सेकंड केस डिस्प्लेइंग मैसेज एंटर नंबर, जैसे प्रिंट एफ एग्जीक्यूट, प्रिंट एफ का वर्किंग क्या, डिस्प्लेइंग मैसेज ऑन द मॉनिटर एंटर नंबर। देन नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद क्या है, स्कैन एफ फंक्शन इन थर्ड स्टेटमेंट। स्कैन एफ फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो, इसके केस में कोई नंबर प्रेस करेंगे यूजिंग कीबोर्ड, सपोज दैट वी आर एंटरिंग सम नंबर एज -5 एंड एंटर की, एंटर की के अकॉर्डिंग कर्सर का सेंड होगा ना नेक्स्ट लाइन। देन जैसे ही इस केस में स्कैन एफ फंक्शन एग्जीक्यूट, स्कैन एफ का वर्किंग क्या, रीडिंग इनपुट डेटा एंड स्टोरिंग इनसाइड वेरिएबल नंबर -5। अगर नंबर का एड्रेस 100 है, स्कैन एफ के अंदर पास क्या हो रहा है, एड्रेस ऑफ नंबर मीन समथिंग 100। जो भी इनपुट रीड हुआ एंटर नंबर आसान किस में जाएगा, ऑन द गिवन लोकेशंस। नेक्स्ट वन फोर्थ केस, इस केस में कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशंस के केस में नंबर के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे करेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल नंबर, करेंट वैल्यू क्या इसका -5, -5 लेस देन इक्वल्स टू जीरो, कंडीशन इज ट्रू मीन्स -5 जीरो से छोटा था, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के इसमें कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, इनसाइड बॉडी ऑफ इफ, बॉडी ऑफ इफ के अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, इधर गिवन मैसेज एज हेलो, गिवन मैसेज एज हेलो। इसके जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, आउटसाइड प्रोग्राम लाइक दैट। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ गिवन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू गिवन इनपुट्स। लेट्स अगेन ट्राई सेम एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इनपुट डेटा, करंट केस में आउटपुट क्या डिस्प्ले हुआ, समथिंग हेलो। नेक्स्ट वन, सपोज दैट अगर सेम प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट टाइम नंबर का मैंने वैल्यू एंटर किया समथिंग 5+5, इस केस में नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट हुआ 5 <= 0, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है, देन कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ मीन्स प्रिंट नथिंग, देयर इज नो सच मैचेस, जस्ट इस प्लेस पर डिस्प्ले किया एंटर नंबर वट एवर।